नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 4 जून की पूरे दिन की एनालिसिस देखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको, सबसे पहले आप इस ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। मैं कई सारी जो पिक्स है वो पीडीएफ दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं बीमार हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, और ना गर्दन मुड़ रही मेरी, फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर देती जाएँ। ठीक है, आप इसको जो है ज्वाइन कर दिए, और इसमें जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी मैंने यहाँ पे शेयर करी हैं। देख लीजिए आप सारी जो है पीडीएफ, इंपॉर्टेंट वाली जो पुरानी है जो कि आ सकती हैं आने वाले एग्ज़ाम में, सारी लगातार शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें एसएससी सीजीएल का एक पैटर्न होता है कि मान लीजिए अगर उन्होंने एक एक जैसे पूछा कि पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड की कौन थी, तो एक शिफ्ट में अगर वो पूछा तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं आपको अगली शिफ्ट के लिए ज़रूर आनी चाहिए या अगले दिन के लिए। तो मैं वही पैटर्न फॉलो करके जो पिछली बार हुआ था मैं यहाँ पे लगातार शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। आप इन सब पीडीएफ को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सारी पीडीएफ यहाँ पे दी हुई है, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए हुए हैं। आप जो है यहाँ से लेके पूरी पोस्ट देख लीजिए जो कि 4 जून से पोस्ट आपकी शेयर की गई हैं। ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का पूरा कंप्लीट, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर टोटल हिंदी इंग्लिश में एक अलग अलग वीडियो बना के पापा वीडियो आपको मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। आप अभी ये करिए, मैं पूरा नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए कंप्लीट एनालिसिस तो नहीं दे पाऊँगा, ना ही आवाज़ में वैसी तेज़ी रह गई है अभी। कई लोगों को मेरे आवाज़ से दिक्कत थी तो फाइनली उनके लिए गुड न्यूज़ है, नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी है बहरहाल ये मैंने अभी कंप्लीट एनालिसिस की है ये, और इसको देख लेते हैं। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी, देख लीजिए पीडीएफ वहीं से खोल रहा हूँ। अब देखिए जैसे पहली डीजीपी फीमेल पांडिचेरी की कौन है, ये पूछा है क्वेश्चन एस सुंदरी नंदा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली डीजीपी का मतलब होता है जो पूरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में पूरे पुलिस की हेड। तो अब जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली फीमेल डीजीपी पूरे इंडिया में किस स्टेट में बनी, वो बनी उत्तराखंड में। ठीक है, नाम क्या था उनका, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। वो पहली वुमेन थी जो डीजीपी बनी थी किसी स्टेट की, और वो सेकंड आईपीएस ऑफिसर थी इंडिया में किरण बेदी के बाद। उसके बाद और भी स्टेट ने वुमेन डीजीपी को किया है, जैसे गुजरात में बनी थी गीता जोहरी, कर्नाटक में बनी थी नीलामणि राजू, और केरल में बनी थी ये आर श्रीलेखा। अब अगर क्वेश्चन ये आएगा फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन आईपीएस इन 1972, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप, अभी अभी मैंने बताया है। एक क्वेश्चन था कोई इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम या फिर केमिकल नेम से रिलेटेड, पूरी की पूरी लिस्ट दे दी मैंने आपको, पीडीएफ शेयर कर दी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, मुझे वैसे आपको पता है यूट्यूब से मैं कितना प्यार है और मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ, हॉस्पिटल से आते ही मैंने ये सब किया है, अभी डिस्चार्ज हो गया हूँ मैं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, पूरी मुंह नहीं खुल रहा है मेरा, एक्चुअली कान में पूरी पट्टी बंधी हुई, सर्जरी हुई है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैं नमस्कार दोस्तों जो बोलता था वो ऐसा नहीं कोई मैं बहरा वहरा नहीं हूँ, कि कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता था इसलिए मैं इतनी देर बोलता हूँ, वो मेरी आदत है, मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहता हूँ, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कान में जो है सर्जरी हुई है इसलिए मेरा मुँह नहीं खुल रहा है, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर भी आवाज़ में इतनी तो है ठसक की, आवाज़ तो आपको आ रही होगी क्लियर। कॉमन नेम जैसे वॉशिंग सोडा, केमिकल नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कॉस्टिक सोडा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। तो आप पूरा एक बार इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ। फिर एक आया था डांस का क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से, इससे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिकल डांस कहाँ कहाँ से हैं, जैसे ये है क्लासिकल डांस की लिस्ट, भरतनाट्यम है तमिलनाडु कर्नाटका, कथक है आपका नॉर्थ इंडिया में, मोस्टली ये जो है यूपी में करा जाता है, कथकली है केरला, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसी है उड़ीसा, सत्रिया है असम, मणिपुरी है मणिपुर, मोहिनीअट्टम है केरला। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा एक चीज़ और है, 2017 में जिन लोगों ने मेरी एनालिसिस देखी होगी उनको पता होगा कि मैं एक्सपेक्टेड चीज़ें भी बता देता हूँ ये सब पैटर्न को देख के कि क्या आ सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्लासिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आया आज, आगे आ सकता है, इसको तुरंत देख लीजिए। अभी तक 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, सबसे पहला मिला था तमिल को 2004 में,
फिर संस्कृत को, फिर कन्नडा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को लेटेस्ट मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। ये कुछ स्टेट हैं और उनसे रिलेटेड फोक डांसेस का नाम है, पढ़िए एक बार, ठीक है? बहुत बोलना पड़ेगा, नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैंने लिस्ट शेयर कर दी है, आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिए, ठीक है? फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की एशिया में, ठीक है? हाँ सॉरी, ये डिस्टर्बेंस हो गया था एक मिनट। तो ये ओलंपिक काउंसिल जो है एशिया की, ये एक बॉडी है और ये 1982 में चालू हुई थी, ठीक है? इसके जो है हेडक्वार्टर है कुवैत में, 45 देश हैं इसके मेंबर, और ओल्डेस्ट जो नेशनल ओलंपिक कमेटी है वो है जापान, फिलीपींस की, और ईस्ट डेमोर जो है निवेस्ट है, ये हेडक्वार्टर कुवैत में है। इस समय प्रेसिडेंट जिसके हैं शेख फतह अल सबा, ये कुवैत के हैं। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको देख लीजिए ध्यान से, आएगा ज़रूर ये, एक बार देख लीजिए इसको। हेडक्वार्टर है लाउसाने, ये स्विट्जरलैंड में, 1894 में बनी थी, 124 साल पहले। ये पांच जो ये कलर अलग अलग दिए हैं, ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अथॉरिटी है जो मॉडर्न समर और विंटर ओलंपिक गेम को करवाती है। 206 NOC यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी इससे एसोसिएटेड है। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है थॉमस बैक जो हैं जर्मनी के, ठीक है? इतना याद रखना चाहिए। टिस्को को तो 1907 में किया गया था, वो तो है एक बात, जो आपकी टाटा स्टील है। उनसे अलावा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कंपनी का नाम, उनका फाउंडर और उनका हेडक्वार्टर लिस्ट दे दी है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें काम आएगा SSC CGL में, और बैंकिंग में भी CGL जो चल रहा है इसमें तो ज़रूर काम आएगा, ठीक है? उसके अलावा मैंने कुछ और यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, ये फाउंडर जो है रेड क्रॉस, इस्कॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, एक बार देख लीजिए इसको, बहुत काम आएगा, कल जो है ये पेपर में आ सकती हैं इस चीज़ें। इम्पॉर्टेंट वंस के फाउंडर और लास्ट मेंबर का नाम जो है एक चालुक्य का आया है, और बाकी पूरी लिस्ट जो है मैंने PDF दे दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में, आप इसको देख लीजिए। ये कमिटी जो है, कमिटी लिस्ट ऑफ ऑल कमिटी जो है मैंने PDF ऑलरेडी दे रखी है अपने टेलीग्राम में, देख लीजिए। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड आया है, फर्स्ट इन इंडिया की पूरी लिस्ट दे दी है मैंने, जो वुमेन है, ठीक है? इनको एक बार ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट इन वुमेन जो है वर्ल्ड में जो है वो भी दी हुई है। एक मैं और मास्टर जी के फाइल बनवा रहा हूँ, आज बन जाएगी, वो मैं कल दूंगा आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रात भर हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, इसीलिए सुबह से पहले आपको मिल जाएगी वो वाली। अगर आपने GK की पूरी फाइल देख ली तो उसमें बाहर GK आ ही नहीं सकती, स्टैटिक GK, वादा है मेरा, आप उस फाइल को पूरा पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने आज पूरे दिन का पैटर्न तीनों शिफ्ट का देखा है, उस हिसाब से मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी हैं, बाकी लगातार आपको टेलीग्राम में हो रही हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था कि एसिड कौन सा स्वीट है, ऑप्शंस में से L9 था। ये अमीनो एसिड है, तीन टाइप के होते हैं, एक सोर यानी खट्टा, मीठा और बिटर टेस्ट, ठीक है? तो खट्टा टेस्ट किसका है, ग्लूटामेट एस्पार्टिक एसिड, स्वीट किसका है, ग्लाइसिन एलानिन, और आपका ये जो तीन दिए हुए हैं, और बिटर टेस्ट इन सब का है, एक बार देख लीजिए। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो है इसमें कौन सा हार्मोन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने दे दिया है। जैसे हाइपोथैलेमस, ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, हंगर, मूड्स, और जो है ये रिलीज़ करता है कई सारे हार्मोन को, और कंट्रोल करता है प्यास और सोना, सेक्स ड्राइव। पैराथायरॉइड ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम, थाइमस जो है ये करता है कि कैसे आपका जो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बनेगा, और टी सेल्स को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। थायराइड जो है ये करता है आपका वो वाले हार्मोन जो कैलोरी बर्निंग से एसोसिएटेड है। एड्रेनल ये करता है वो वाले हार्मोन जो सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। और कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, याद रख लीजिए कॉर्टिसोल, ठीक है? पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर कंट्रोल ग्लैंड, और पिनियल को बोलते हैं थैलेमस, ठीक है? ये जो है एक प्रोड्यूस करता है सेरोटोनिन, जो कि मेलाटोनिन का ये डेरिवेटिव है, वो स्लीप को इफेक्ट करता है।
ओवेरी सिर्फ वुमेन में होते हैं, तीन जो है हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टेस जो है ये सिर्फ मेन में पाया जाता है, मेल में, और ये टेस्टोस्टेरोन को करता है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए वुमेन का जो है हार्मोन वो एस्ट्रोजन है, सेक्स हार्मोन होता है तो वुमेन का सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की तरह होता है लेकिन मेन सेक्स हार्मोन नहीं है वुमेन का। कॉर्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं मेन सेक्स हार्मोन मेन में, ठीक है। पहली सार्क लेडी प्रेसिडेंट ये हैं आपकी फातिमत दयान सईद। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया है ये मैंने एनवायरनमेंट पापा वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। एनवायरनमेंट पापा वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा ये, उसमें सब बताया हुआ है जितने भी एनवायरनमेंट के जीके फैक्ट हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी जी के प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइम पे। एनटीसीए को बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में और ये 2006 में बनाया गया। सीएम असम के पूछे हैं, पूरी सीएम की लिस्ट दे रखी है, आप इसको देख लीजिए, जितने भी अभी स्टेट हैं लेटेस्ट ये लिस्ट है ये, ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिए। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से बोरोड फीचर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट पिक्स के फॉर्म में मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ, इस पे जाइए मिल जाएगा, ठीक है। फिर पासेस की लिस्ट भी मैंने अभी एक पिक के फॉर्म में दी है, आप उसको देख लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टोटल जो है लिस्ट दी हुई है, इस समय कौन है किस नंबर के वो देख लीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की टोटल एनवायरनमेंट पापा वीडियो में मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है, ये देख लीजिए एक बार आप। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स के पूरी लिस्ट जो मैंने बताया आपको, एक मास्टर जी के फाइल बना रहा हूँ उसमें मिल जाएगी। आर्पानेट किससे रिलेटेड है वो भी उसी में मिल जाएगा, ठीक है। और जो है बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मैं उसकी पूरी लिस्ट अभी टेलीग्राम में दे रहा हूँ। प्लस कुछ और क्वेश्चन आए थे, ये ड्राई आइस और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ लगातार, आप उस पर देखते रहिए एक बार टेलीग्राम में, पूरे जो चीफ की लिस्ट है सारी जो है चीज़ें लगातार बनवा रहा हूँ, आप बस टेलीग्राम फॉलो करिए सब कुछ मिलेगा उसमें। और ये जो मैंने पूरी लिस्ट दी है ये हर जगह का कंपाइल्ड वर्जन है, आप इसमें सारे के आंसर भी दिए हुए हैं, मैथ्स के भी दिए हुए हैं, जितने मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो आकाश जी हमारे जो हैं वो सॉल्व करेंगे आपके लिए, रीजनिंग के भी। थोड़ा सा बीमार ज़्यादा हूँ, मना किया गया लेकिन कर रहा हूँ काम फिर भी। जो बाकी ज्योग्राफी की चीज़ें हैं जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, वो मास्टर जी के फाइल बनवा रहा हूँ उसमें मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडर्स, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। ये कुछ रीजनिंग और इसके क्वेश्चन हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, PDF मैंने दे दिया आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, यही है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसी में सब मिल रहा है लगातार 4 जून से लेके, पूरी पोस्ट आप फॉलो कर लीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। करना क्या है, ज्वाइन करेंगे आप, इस पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये वाली जैसे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करिएगा लोगों से, ठीक है। ये वाली पिक्स मैंने दी हुई हैं अभी और लगातार जो है वीडियोस दे रहा हूँ, देख लीजिए। जब से हॉस्पिटल से आया हूँ लगातार मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और जो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सारी लिस्ट यहाँ पर देख चुका हूँ। तो यहाँ से आप जो है 3 जून के बाद, ये कहाँ गया, यहाँ से आप पूरा फॉलो कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।